आप सबका स्वागत है E99 एक्सप्रेस टीवी पर। तेलंगाना स्टेट में तेलंगाना गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन लगाने की खबर दी, अचानक जीएचएमसी लिमिट्स यानी हैदराबाद में एक अंदाजे के तौर पर 125 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब बेची गई है। जैसे ही लॉकडाउन की न्यूज वायरल हो गई, अचानक लोग की लाइनें शराब की दुकानों के सामने जमा हो गई शराब की बॉटल्स खरीदने। देखें E99 एक्सप्रेस टीवी की यह खास रिपोर्ट। तेलंगाना स्टेट के हैदराबाद में जब लॉकडाउन की खबर वायरल हुई, लोगों की भीड़ भाड़ शराब की दुकानों के सामने नजर आई और बताया जा रहा है कि करीब 125 करोड़ का फायदा हुआ है शराब बेचने वालों को। यानी 125 करोड़ की शराब सिर्फ एक ही दिन में बिक गई और पूरे तेलंगाना का हिसाब देखा जाए तो बताया जा रहा है कि करीब 200 करोड़ की शराब बेची गई है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कोई लोगों ने एक हफ्ते दो हफ्ते का स्टॉक खरीदा है तो कोई ने लॉकडाउन के डर से एक महीने का स्टॉक खरीदा है। शराब की दुकानों के सामने बुजुर्ग नौजवान के साथ साथ खवातीन की भी मौजूदगी नजर आई। शराब की खरीदारी की दुकानों के सामने कोई सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स फॉलो नहीं किए। देखिए ये रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने E99 एक्सप्रेस टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट E99 एक्सप्रेस टीवी।